जयपुर के घाट गेट तोप के इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। एक बार एक मरतबा जो है इनके कमर के अंदर बहुत सख्त दर्द हुआ है, बहुत तकलीफ दे, तो उसमें ये एकदम अचानक लेट गई सीधी, तो इनसे खड़ा नहीं हुआ गया, करवट नहीं ली गई। फिर हमने इनको उठाना चाहा तो उठ भी नहीं सकी, तो ये वहीं लेट गई। हम डॉक्टर के पास लेके भागे, उसी वक्त हॉस्पिटल लेके गए टोंगिया में, तो उन्होंने भी जो है वो इनको कहा कि एडमिट कर दें, ऐसा कर दें, इनको एडमिट करना पड़ेगा, सख्त वो है, तकलीफ़ है इसमें। तो हमने इनकार हुआ है, वहाँ एडमिट नहीं कराया वो, हमने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेकर के दो चार घंटे बाद में हम वापस घर ले आए थे इनको। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, खड़ा नहीं हुआ जाता था, किचन के अंदर काम करने में तकलीफ़ होती थी इनको, और ऊपर नीचे चढ़ने में जीने में बहुत तकलीफ़ होती थी इनको, और ये नीचे झाड़ू देना करना इसमें भी बड़ी परेशानी आ गई थी। उस दिन से ये बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, दो मिनट तक बैठने में भी इन्हें मुश्किल होती थी, फर्श पर बैठकर उठने में भी समस्या थी। इसके अलावा 3 साल पहले इन्हें घुटनों की तकलीफ ने भी जकड़ लिया, और घुटनों के दर्द के कारण इनका सीढ़ियों पर भी चढ़ना असंभव हो गया था। 9 साल से कमर और घुटनों की तकलीफ ने इन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। बैठ जाती थी नीचे तो उठना मुश्किल हो जाता था, कभी तो इतना होता था कि मैं रोना लग जाती थी। मैं नमाज भी बैठ के पढ़ती थी, खड़े होके पढ़ना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। कमर में टूप लगाते थे, तेल लगाते थे, मालिश करते थे, उससे मुझे आराम मिलता था। थोड़े दिन बाद फिर वही शुरू हो जाता था मेरे दर्द। समर्थ थी। फिर मैं हकीम साहब का ये चैनल देखती थी जी। फिर मैंने इस पे देखा काफी लोगों को, फिर मैंने उनसे ये दवा मंगाई हकीम साहब से। यहाँ पे लेके आए हैं, वो किस तकलीफ से गुजर रही थी, क्या कुछ उन्हें परेशानी थी, हकीम साहब से जुड़ के वो कितनी सेहतयाब हुई हैं और कितना जीवन में उन्होंने बदलाव देखा है, तो उनकी सच्ची कहानी हम पहुँचाएंगे आज आप तक। तो मिलकर स्वागत करेंगे समा फिरदौस मैम का, और उनके शौहर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो मैम सबसे पहले कहाँ लेके चलेंगी आप? ठीक है, किचन में चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, हम आपको लेके चल रहे हैं इनके किचन में, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जो 12 साल इनको कमर का दर्द था, फिर 3 साल पैरों का दर्द था, तो किचन का काम कितने आराम से वो कर लेती है। देखिए ड्रॉर हैं सारी, और ये ड्रॉर वो खोलेंगी खुद ही, देखिए। हाँ जी, ये देखिए मेरी ड्रॉर। ठीक है ठीक है। तो पहले आप इतना भी नहीं झुक पाती थी? नहीं, बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। खाना आप जब बनाती हैं, कितने लोगों का खाना बनाती हैं? मैं 6 मेंबर्स हैं हमारे। अच्छा, तो खड़े रहना पड़ता होगा। लास्ट वाली ड्रॉर आप मुझे खोल के दिखाएंगी? जी जी। बैठ के दिखाएंगी मैम? आसानी से बैठ जाती हैं, यानी आसानी हो गई है आपको काफ़ी। तो किचन का सारा काम आप ही करती हैं? वैसे तो घर का सारा ही काम ही आपने अपने जिम्मे ले रखा है, इसके अलावा क्या काम करती हैं आप? कहाँ लेके चलेंगी ये बताइए? आप रूम में आ जाइए। जी 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 जी। तो रूम की तरफ हम चलते हैं जी। तो जिस बेड का जिक्र आपने अभी इंटरव्यू में हमारे साथ किया है, जिससे आप उठ नहीं पाती थी, सुबह उठने में बड़ी तकलीफ होती थी, तो यही वो बेड है? जी, यही वो बेड। इस पे उठने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी सुबह के टाइम। तो आप मुझे बैठ के दिखाइए आप। तो अभी जैसे आराम से आप बैठ गई हैं, ठीक है। अभी अगर पहले की मैं बात करूँ, तो ऐसे ही अगर आप बैठी होती तो उठने में कैसे आप सहारे लेके उठती थी, कितनी तकलीफ आपको होती थी? चेयर यहाँ रखती थी मैं, इसको पकड़ के फिर उठती थी मैं। अच्छा, धीरे धीरे। और अभी उठ के दिखाइए। आराम से उठ रही बिल्कुल, मतलब मैं इसको फुर्तीलापन शरीर में कहूँ मैम जी। अच्छा, तो देखिए ये वो चेयर है
जिससे मैम उठती थी सहारा लेके, और ये वो बेड है जिससे उठना उनके लिए मुश्किल क्या नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि 15-20 मिनट आप लगा रहे हैं बेड से उठने में, तो आप समझिए कि आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी। आपने एक बात और हमें बताई थी कि आपको नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती थी, इसी चेयर पे आप नमाज़ पढ़ने लगी थी? इसी चेयर पे नमाज़। अच्छा, पढ़ती थी नमाज इस जगह तो इसी चेयर पे बैठ के पढ़ती थी, और अब मैं आराम से पढ़ती हूँ। अच्छा, तो कितने टाइम तक आपने इसी चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ी है मैम? मैंने साल भर पढ़ी है। साल भर आपने नमाज चेयर पे बैठ के पढ़ी है। अच्छा, ठीक है, अभी आप अच्छे से बैठ के नमाज पढ़ लेती हैं। मुझे एक बार आप दिखाएंगी कि कैसे आप बैठ पाती हैं नीचे, क्योंकि बेड पे तो हमने बैठ के देख लिया। जी, यहाँ खाना खाते थे हम लोग बैठकर, तो उठना मुश्किल हो जाता था मेरा, ये घुटनों की वजह से भी उठ नहीं पाती थी मैं, और अब मैं आराम से उठ जाती हूँ। देखिए, आप आलती पालती भी अच्छे से मार लेती हैं, तो आलती पालती मार ली है मैम, फिर तो नमाज आप अच्छे से पढ़ लेती पढ़ती हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है नमाज पढ़ने में, अब उठने बैठने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी, तो तकलीफ तो होती होगी कि आप कायदे से नमाज नहीं पढ़ पा रही हैं, आपको चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है, और एक साल आपने चेयर पर बैठ के नमाज पढ़ी है। हाँ, मुझे बहुत दुख होता था कि मैं अभी इतनी जल्दी से ही मेरा ऐसा हो गया कि मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाती, ये सोचकर दुख होता था कि बैठ के पढ़ना पड़ रहा है मुझे अभी इस एज में भी, इस वजह से। तो 53 मैम की उम्र है, और देखिए तकलीफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है। अभी जैसे कि वो बैठी हुई हैं दर्शकों, तो देखिए कमर पे भी बैठने पे प्रेशर लगता है, घुटने पे भी प्रेशर लगता है, आलती पालती मार के वो बैठ गई हैं। और ये जो पीछे मैं आपको बेड दिखा रही हूँ, देखिए इसकी कोई ज़्यादा ऊँचाई नहीं है, आसानी से आप उतर सकते हैं, लेकिन उतरना तो दूर, वो उठ तक नहीं पाती थी। अच्छा, उठने में आप सहारा तो चेयर का लेती ही थी, साथ ही साथ आपके जो शौहर हैं वो भी आपको कंधा देते होंगे और धीरे धीरे करके आपको उठाते होंगे जी। तो कहीं ऐसी नौबत तो नहीं आई कि बाथरूम तक उनको ले जाना पड़ रहा है? ठीक है। तो सिर्फ आप उठने में ही आपको दिक्कत होती थी कुल मिला के। बर्दाश्त किस हद तक आप नहीं कर पाती, ये बताइए। आंखों में कभी आंसू भी आपके आ गए थे, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हाँ, बहुत तकलीफ़ हुई थी, मेरे उठना भी मुश्किल हो गया था बिस्तर पे से उठना। सुबह के टाइम तो इतना तकलीफ होती थी कि मैं उठ नहीं पाती थी। दो तीन बार तो ऐसा हुआ कि मुझे मेरे बेटे ने या शौहर ने उठा के सहारा दे के फिर हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, हॉस्पिटल तक लेके गए? जी। अच्छा, वो लगाया उन्होंने, तब जाके आराम मिला। दवा लेती हूँ तब तो आराम मिल जाता था, अब छोड़ते ही दवा फिर वही शुरू हो जाता था। अच्छा, इंजेक्शन क्या कमर के लिए लगा था आपको? जी। अच्छा, दर्द की वजह। जी। अच्छा, इंजेक्शन कितनी बार आप लगवा चुकी हैं? मेरे 3-4 बार लग गया, फिर कैप्सूल वगैरह दिए वो लिए। अच्छा, ठीक है, इंजेक्शन तो मैम आपने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ऑपरेशन की ज़रूरत है, ना दवाइयों की ज़रूरत है। अच्छा, कोई दवाइयाँ भी खा रही हैं वैसे आप हकीम साहब से अलग? मैं बीपी रहता है मुझे उसकी और थायराइड की। अच्छा, चलिए, दोनों दवाइयाँ खाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है हकीम साहब, और जो और बाकी ले रही है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं? चलिए, आपको मैं यहाँ से अब थोड़ी सी तकलीफ़ और देना चाहूँगी, उठ के हमें दिखाइए कि कितनी फुर्ती से आप उठ जाती हैं। तो देख सकते हैं, ये अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि पहले के मुकाबले, आपके मुकाबले यानी कि 4 महीने में ये फ़र्क आप देखिए, जहाँ वो नमाज़ नहीं पढ़ पा रही थी। और खाना क्या है, ये पूरी फैमिली बैठ के खाती हैं, तो आलती पालती मार के भी नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि मैम कैसे अच्छे से किचन की ड्रॉअर खोल रही थी, झुक के नीचे कमर पर प्रेशर पड़ता है, लेकिन वो भी अभी दर्द उनको नहीं है। अच्छा, चलिए, तो आपने हमें बता ही दिया कि खाली इंसाफ आप हमें करके दिखाएंगी, तो ज़रूर हम देखना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे।
का वहाँ पे भी है, दूसरे कमरे में भी, वो भी ये खुद ही साफ करती हैं। तो कितना अंतर पहले और अब में हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 महीने का रिजल्ट है जो आपके सामने है। ठीक है मैम, आगे चलें, कहाँ पे आप हमें लेके चलेंगी? सीढ़ियाँ चलें जी जी, तो सीढ़ियाँ भी चढ़ के दिखाएंगी आप हमें जी। तो जल्दी से दर्शकों हम चलते हैं सीढ़ियों की तरफ। सेकंड फ्लोर पे शमा मैम का घर है और जहाँ ये सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ पाती थी और ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं इसके सहारे से वो नीचे उतरती थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ थी नीचे उतरने में उनको जी। तो आराम से मैम चढ़ पा रही हैं जी? अच्छा अच्छा, ये हम थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और पहले इतना भी नहीं चल पा रही थी आप? नहीं। तो मैम जब आपको काम होता था ऊपर और आपका मन नहीं होता था कि सीढ़ियाँ चढ़ूँ क्योंकि तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अभी किसी तरीके का ऐसे मन में कोई ख्याल तो नहीं आता कि ऊपर चढ़ूँ या ना चढ़ूँ? नहीं नहीं। ठीक है, आपने अभी हमें बताया कि आपको सीढ़ियाँ उतरने में ज़्यादा तकलीफ होती थी, चलिए हम चढ़ तो लिए, लेकिन अब मैं उतरते हुए भी आपको यहाँ पर देखना चाहूँगी कि कितनी आसानी हो गई है, कितना अब आपको दर्द कम होने लगा। तो आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ यहाँ पर ही उतर रही हैं, तो ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए 2 से 3 साल से उनको घुटनों की परेशानी थी लेकिन अब आसानी से नीचे उतर रही हैं। गौनसिया का जिसका इस्तेमाल किया शमा मैम ने, और देखिए 4 महीने में वो अपने काम अब खुद करने लगी हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना मामूली बात नहीं है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जो 90% उनको आराम मिला है वो हम भी यहाँ पे देखने उनके घर पे आए और आपको भी हम दिखा रहे हैं कि गौनसिया से उनको कितना रिलीफ मिला है। आपको परेशानी क्या थी? बस मेरे सुबह ही बता रही हूँ, सुबह उठते ही मेरे पेन होता था कमर में, उठा नहीं जाता था सुबह, एकदम खड़ा नहीं हुआ जाता था, फिर थोड़ा टाइम होता जाता, फिर उसके बाद दोपहर तक सही होता था मेरा ये दर्द। तो बहुत साल हो गए थे मुझे ये तकलीफ होते, 12-1 साल हो गए मुझे। कहाँ पे? कमर में जी, कमर में 12-1 साल से तकलीफ थी। और कमर के अलावा? और घुटनों में तो अभी मेरे 3 साल से थी, बैठ जाती थी नीचे तो उठना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, बैठ के नीचे खाना वगैरह खाते थे हम लोग तो उठना मुश्किल हो जाता उसके बाद खड़ा होना। अच्छा, ये जो कमर की तकलीफ आपकी 12 साल पुरानी, फिर 3 साल आपके घुटनों में परेशानी आ गई, तो आपको पता चला कि ये हुआ कैसे और ये दर्द आपका बहुत ज़्यादा होता था, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी क्या? बर्दाश्त नहीं होता था मुझे, कभी तो इतना होता था कि मैं रोना लग जाती थी, जलन होती थी कमर में, और दर्द के अलावा जलन भी होती थी, इतना इतनी तकलीफ थी मेरे। वजह क्या रही? वजह डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने ये कहा कि वजन मत उठाओ, इससे स्वेलिंग आ जाती है आपके, तो उसका ध्यान रखो आप। फिर मैं हकीम साहब का ये चैनल देखती थी जी जी। फिर मैंने इस पर देखा काफ़ी लोगों को, फिर मैंने उनसे ये दवा मंगाई हकीम साहब से, गौनसिया, फिर मैं ये लेने लगी 2 साल से, तो अब मुझे आराम है। अच्छा, इस पूरे घर का काम जो है आप अकेले करती हैं? मैं अकेले करती हूँ। अच्छा, आपने कोई काम वाली नहीं लगा रखी? जी, मुझे पसंद भी नहीं है काम वाले। अच्छा, वो सही काम होता नहीं है। तो घर के छोटे बड़े सारे काम आप खुद करती हूँ? तो ये दर्द इतनी ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था, दर्द आपको कमर में हो, पैरों में हो, तो फिर कैसे कैसे आपने चीज़ों को मैनेज किया मैम, और आपके पति ने आपका कितना साथ निभाया क्योंकि घर का पूरा काम आप खुद करती हैं? जी, बस उन्होंने मेरा साथ बहुत देते थे, मेरे कमर में टूप लगाते थे, तेल लगाते थे, मालिश करते थे, उससे मुझे आराम मिलता था जिस दिन वो लगाते थे, फिर वो थोड़े दिन बाद फिर वही शुरू हो जाता था मेरे दर्द। मैं नमाज भी बैठ के नहीं पढ़ पा रही थी, खड़े हो बैठ के पढ़ती थी, खड़े होके पढ़ना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, चेयर पे बैठ के पढ़ती थी। अब अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, तो और क्या क्या नहीं कर पा रही थी ये भी बताइए। मैं एक तो प्रेस बैठ के, मैं खुद पूरे अपने हस्बैंड की मेरे कपड़ों पर प्रेस भी मैं खुद ही करती हूँ जी, तो ये काफ़ी देर हो जाती थी बैठ के, तो खड़ा होती थी उस टाइम प्रेस करने तो उठना मुश्किल हो जाता था, धीरे धीरे खड़ी होती थी फिर जब सही होता था। अच्छा, इसके अलावा? फिर मैं लेटती थी, थोड़ा सुकून मिल जाता था लेटने से, तो वैसे नहीं मिलता था, या चलते फिरते रहते हैं, बैठने में तकलीफ होती थी बस मुझे। यानी आप जी, आप बैठने से बचती थी फिर जी, कि बैठो चलती फिरती रहूं बस ये। तो आपने दर्द में काम छोड़ा नहीं क्या? आप करती रहती थी? करती रहती थी मैं, फिर कौन करता, मुझे पसंद आता नहीं था मैट का काम,
मैं खुद ही करती। मतलब आप दर्द में कराहती रहती होंगी, आप दर्द झेलती रहती होंगी। सब लोग यही कहते थे किसी को रख लो लेकिन मैं नहीं रखती थी, मुझे पसंद ही नहीं था। मुझे अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है, तो मैं खुद ही करती थी पूरी डस्टिंग सब। क्या क्या काम करती है ये, मतलब डस्टिंग भी, किचन वगैरह सब मैं खुद, अलमारी किचन की, फैन वगैरह ये सब मैं करती थी खुद। मतलब आप ये फैन ऊपर चढ़ के खुद साफ करती हैं? और आज भी मैं खुद करती हूँ। अच्छा जी, तो आपके घर के जो सामान है काफी ऊंचाई पे भी रखे हुए हैं, सब मैं चढ़ के सब मैं कर लेती हूँ ऊपर चढ़ के। अच्छा, तो हकीम साहब के बारे में कैसे पता चला, किसी से मशवरा लिया? नहीं, मैं ऐसे ही बैठे बैठे देख रही तो आ गया था हकीम साहब का एकदम चैनल, तो मैंने उस पे देखा। तो भरोसा कैसे हुआ? कई लोगों को देखा ना उस पे। अच्छा, चैनल पे। फिर मैंने सोचा लेके देख लेती हूँ मैं भी एक बार। फिर मैंने मंगाया उनसे, तो मुझे आराम है। तो घर में भी बातचीत की आपने कि मुझे इनकी दवाई का इस्तेमाल करना है? अब और लोगों को भी बता रही हूँ मैं, और लोगों को भी बताती हूँ, अपनी भाभी वगैरह को, बहनों को, तो वो लोग भी, हमारी मम्मी ने भी मंगाई है, वो भी ले रही है, उनको भी आराम है। घुटनों में बैठा बैठी रहती है, वो चला नहीं जाता ना, तो उनको भी आराम है, वो भी ले रही है जी। तो कितने टाइम में आपको हकीम साहब की दवाई का असर लगना शुरू हुआ, और दवाई आपने कौन सी ली है मैम? मैंने गोंसिया लिया और ये पी टी केयर लिया, ठीक है, और एक पी केयर भी दिया था उन्होंने, ठीक है, और एक एफ केयर भी लिया मैंने, बीपी भी है मुझे, थायराइड भी है, इसके लिए भी लिया था। तो इन सब चीजों में आराम है आपको? जी, ठीक है। तो आराम कितने दिनों में लगा आपको ये? अब मैं बता रही हूँ ना, अभी 5-6 महीने से आराम है मुझे। अच्छा, जब आपको इतना दर्द था मैम, तो शरीर भी कहीं ना कहीं सुस्त हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है शरीर में, तो आलसीपन ऐसा आता था बस, उठने में बैठने में दिक्कत होती थी ना दर्द की वजह से, तो बस लगता था बैठी रहूं या लेटी रहूं। उम्र कितनी है आपकी? 53। तो पहले जो आपकी जिंदगी थी दर्द से, जो आप लड़ रही थी, दर्द इतना बर्दाश्त आप कर रही थी, तो आपको क्या लगता था कि जिंदगी बोझिल सी हो गई है, या फिर कैसे कैसे ख्याल मन में आते थे? क्योंकि जब सुबह वो जो सुबह होती थी जी, सुबह का वो जो टाइम होता था जब आप उठना चाहती थी लेकिन आप उठ नहीं पा रही थी बेड से, 15-15 अल्लाह ताला मोहताज नहीं बनाए किसी का, बस मेरे अल्लाह ताला अपना मोहताज बना के रखे, किसी मखलूक का मोहताज नहीं बनाए, बस यही दुआ रहती थी अल्लाह से, यही दिन रात मांगती थी कि किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूं मैं कभी। हकीम साहब के बारे में जैसा कि आपको पता चला और उनकी गौंसिया का आपने इस्तेमाल किया है, तो अभी कैसा महसूस करती हैं आप, वो अंदर से कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपने काफ़ी दर्द झेला है मैम? मैं तो कमर की बात करूँ तो मुझे लगता है इतनी देर आप बैठ नहीं सकती होंगी, और अगर आप बैठ गई और मैं आपसे कहती कि तुरंत खड़े होकर मुझे दिखाइए, तो आप खड़ी भी नहीं हो पाती? अब तो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत रिलीफ है मुझे, बहुत आराम मिल गया मुझे, अब तो मैं खड़ी भी हो जाती हूँ, नीचे से भी खड़ी हो जाती हूँ। शुक्रिया मैम, हम हकीम साहब पे इतना भरोसा करने के लिए, और जैसे कि आपको देखिए हमें बहुत अच्छा। तो दर्शकों, आज की कहानी शमा फिरदौस मैम की, जो कि 53 साल की हैं, और इस इलाके में हम इसलिए ही आए थे क्योंकि हमें जानना था कि वो हकीम साहब से जुड़ के कितनी बेहतर हो गई हैं, स्वस्थ सेहतमंद हो गई हैं, तो उनसे हमें मिलने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपनी कहानी करोड़ों लाखों लोगों तक आज पहुँचाई है, यकीनन आप उनके लिए आज प्रेरणा बनने वाली हैं, आइडल बनने वाली हैं, और लोग समझेंगे कि हम खुद को भी सेहतमंद कर सकते हैं। आप तो शुक्रिया अपने घर हमें बुलाने के लिए।